Hello, welcome students. Have a very nice evening to one and all. So here by Maharashtra Prakshepan and Combo Pro in collaboration with each other, bringing you online of live session for biology. So actually some of my students were attended my first lectures, but some new students are there. So in order to regularize them in this, so let me start with some general outline of the subject and let us start with some of the basics in order to make you habituated with us. And so let's start with the first of all, it is very important to understand the meaning of biology. So what do you mean by biology? So most of you can define as the biology is the branch of science which deals with the study of living organisms. But it is also very important to understand that what are the types of living organisms? How many types of living organisms are there? Most of you will say plants and animals. Okay. So jaise ki aap jante hai ki plants and animals ye do मेजर टाइप्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. अगर बायोलॉजी ये स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी बायोलॉजी ये सब्जेक्ट में किया जाता है. अब वो कौन से अलग अलग टाइप्स और किस्में हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये हमको इसके अंदर देखना है. जैसे कि आप जानते हो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनायस, दिस इज दैट साइंटिस्ट हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. सो अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनायस, दीज वेर ओनली द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हु आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अदर देन दैट All are non-living organisms. लेकिन सवाल पैदा होता है कि plants और animals इन living organisms के अलावा कुछ plants-like organisms है, animal-like organism है, जो कि actual plants और animals नहीं है. लेकिन हम उन्हें ना plants कह सकते हैं ना animals कह सकते हैं. तो हम इसको किस type के living organisms कहेंगे, ये एक यहां पर सवाल है. जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम यहां पर लिखते हैं प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. अब ये सवाल उठाया है, जैसे कि हम जानते हैं साइंटिस्ट अर्नस्ट हेकेल नाम के साइंटिस्ट है कि जिन्होंने बताया कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो कि मल्टीसेल्युलर होते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर प्लांट्स और यूनिसेल्युलर एनिमल्स भी है, तो उसको हम किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी है, जैसे कि आप जानते हैं बैक्टीरिया है, वायरस है, दोज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच वी कैनॉट सी विथ आवर नेकेड आईज, विच कैनॉट बी विजुअलाइज इजिली विथ आवर ओपन आईज, एंड वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज इट. तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि कुछ मोबाइल है, कुछ इमोबाइल है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ जो है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, कुछ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे कि बैक्टीरिया. तो इन बैक्टीरिया को ना हम प्लांट कह सकते हैं ना एनिमल्स, ना प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स ना एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो साइंटिस्ट कोपेलैंड इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया ये अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको अलग ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए. ओके, तो पहले तो आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद आते हैं ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, और चौथे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया. तो वन मोर इंपॉर्टेंट टाइप इज देयर, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट विटेकर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि प्लांट्स लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया, इनके अलावा कुछ प्लांट लाइक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, तो ये भी अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ओके, तो प्लांट और एनिमल के अलावा ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इसका जो है क्लासिफिकेशन हमको सीखना है. जैसे कि विटेकर ने जो सवाल उठाया वो फंगी के लिए,
तो ओवरऑल ऐसे 5 टाइप के मेजर ग्रुप्स है। ओके तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज को अगर मिलाया जाए तो 5 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कितना? 1 मिलियन यानी 10 लाख। 5 मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज बता रहा हूं मैं, वो है 50 लाख। 50 लाख प्रजातियों के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रजातियां हैं 50 लाख। इन 50 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिर्फ 5 मेजर ग्रुप्स में। ओके तो 5 मिलियन को हम 5 मेजर ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं किंगडम। ओके तो 5 मिलियंस ऑफ स्पीशीज को हम 5 किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले तो हम इस बात को जान ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज, टू विच ऑर्गेनिज्म यू विल कॉल एज अ स्पीशीज। सो स्पीशीज मतलब क्या है, इसके अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि अब हम पूरे इंसान है, 725 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। अब दुनिया के शुरुआती दौर से लेकर आज तक जितने भी लोग आए, मेल फीमेल ह्यूमन बींग्स आए, अब इस धरती पर जितने लोग रह रहे हैं, 735 करोड़ के लगभग, 735 करोड़ ये पॉपुलेशन है दुनिया की। और जो है दुनिया के प्रलय तक कितने ह्यूमन बींग्स आएंगे, ये सारे ह्यूमन बींग मिलके एक स्पीशीज है। बायोलॉजिकली ये सिर्फ एक स्पीशीज है जिनका नाम है सेपियंस। तो ऐसे कितने स्पीशीज है? 50 लाख स्पीशीज है। यानी इंसान ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशीज ऑर्गेनिज्म है। तो इंसान जैसी, इंसान जैसे कि एक प्रजाति है, पूरे इंसान मिलकर, नंबर नहीं बता रहा हूं मैं इंडिविजुअल, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो टाइप, तो पूरे इंसान मिलकर एक टाइप है। तो ऐसे कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? 50 लाख। तो इन सारों के स्पीशीज मिलकर 50 लाख नॉन स्पीशीज है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन 8.7 मिलियन ऑफ स्पीशीज आर फाउंड, इंक्लूडिंग अननोन नंबर ऑफ स्पीशीज एंड नॉन स्पीशीज, जो कि जिसके नाम हम जानते हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनको हमने नॉमेनक्लेचर किया है, जिनको हमने क्लासिफाई किया है, ऐसे लगभग अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और जो अननोन है, जिनका अभी क्लासिफिकेशन बोलो या फिर आइडेंटिफिकेशन हो या नॉमेनक्लेचर हो, तो ऐसे टोटल मिलकर 8.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो अब इन सारे जो 5 किंगडम्स है, इनके नाम क्या है वो हमको यहां पर जानना जरूरी है। ये 4 साइंटिस्ट ने, सबसे पहले तो जो है प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो 2 किंगडम है या पूरे जो प्लांट्स है वो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहां पर लिखता हूं किंगडम के नाम, लिखता हूं मैं सिर्फ किंगडम प्लांटी। पूरे एनिमल्स जो है वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। प्लांट्स लाइक और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म और कुछ फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स भी है, जो कि हम ये तीनों को मिलाकर एक किंगडम में इंक्लूड करेंगे, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ओके और फिर चौथे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जिसका नाम है मोनेरा किंगडम। और फिर फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम है, किंगडम फंजाई। तो ऐसे 5 किंगडम्स पाए जाते हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंजाई। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके तो पहले तो आता है किंगडम मोनेरा, और फिर 2 नंबर में आता है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद है किंगडम फंजाई, और फिर किंगडम प्लांटी, और उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। ओके तो ये 5 किंगडम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है, जैसे कि पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले आए। ओके विच वर दोज फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड एंड टुक बर्थ ऑन दिस अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज नन अदर देन द मोनेरा विच इंक्लूड्स ओनली बैक्टीरिया। सो मोनेरा इंक्लूड्स ओनली बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया is found only in one kingdom that is known as Monera. Okay, तो सबसे पहले हम किंगडम यहां पर जिसका नाम लेते हैं वो मोनेरा है।
लेकिन जैसे कि हम एविडेंस या फिर जो रिसर्चेस किए गए और जो अलग अलग किंगडम तैयार होते गए, जैसे कि पहले दो ही किंगडम थे, किंगडम प्लांटिन, किंगडम एनिमेलिया, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनायस, ओके। लेकिन उसके बाद जो है हमको यह जानना जरूरी है कि पहले कौन सा किंगडम आया अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च और अकॉर्डिंग टू दी यू नो द साइंटिस्ट। सो सबसे पहले यहां पर प्रोटिस्टा, और उसके बाद है मोनेरा, और उसके बाद है फंगी, ओके। लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सबसे पहले आते हैं मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद एनिमेलिया। चलो तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन पांचों किंगडम को, ओके, 5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में जो क्लासिफाई किया गया है वो किस बेसिस पर किया गया है, ओके। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो है बेस्ड ऑन विच क्राइटेरियाज, ओके। तो जैसे कि 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 क्राइटेरियाज यूज करके 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। 50 लाख प्रजातियों को सिर्फ हम हाथ पर गिन सकते हैं, इतने 5 किंगडम्स में हमने उनको क्लासिफाई किया है। चलो तो पहले हम देखते हैं कि वो 4 क्राइटेरिया क्या है, और आज जो पॉइंट के लिए हम इंटरेस्टेड है, द पॉइंट और द कॉन्सेप्ट विच वी आर मोर इंटरेस्टेड इन, दैट इज द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट किंगडम, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया, और उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद किंगडम प्लांटी, उसका क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट देखेंगे, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन बेस्ड, ओके। तो पहले उसके बेसिक्स और जनरल आइडिया हम आज ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हम तो, आपके कुछ डाउट्स हो, ओके, नीचे वहां पर सुपर चैट ऑप्शन भी है, तो जिसके अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं, और आप जो है फिर उसके जवाब में जो है आपको ऑनलाइन यहां पर दे सकता हूं, ओके। तो जैसे कि हम देखें कि 5 किंगडम्स है, लेकिन ये 5 किंगडम्स को जो है 50 लाख ऑर्गेनिजम्स को जो है सिर्फ 5 किंगडम्स में कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसको भी देखना जरूरी है, ओके। जैसे कि ये 5 किंगडम्स जो बनाए आखिरी जो साइंटिस्ट आए हैं विटेकर, ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू विटेकर साइंटिस्ट, ओके, ये 5 किंगडम्स है, तो ये विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम ले लेते हैं तो सबसे पहले जो किंगडम आता है वो है मोनेरा, उसके बाद जो सेकेंड किंगडम है उसका नाम है प्रोटिस्टा, ओके, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम जो है वो है किंगडम फंजाय, फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटी, ओके, एंड द फिफ्थ किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो 4 क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया को हम यहां पर देखेंगे। जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूं कि इनकी सेल कैसी है, ओके, सेल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ देयर सेल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल, ओके। जैसे कि 50 लाख ऑर्गेनिजम्स आपके सामने रखे गए हैं टाइप्स के और स्पीशीज के, मैं नंबर नहीं बता रहा हूं। जैसे कि इंसान है, एक इंसान रखा गया है, एक कॉकरोच, एक अर्थवर्म, और जो है एक प्लांट्स, जो अलग अलग टाइप के जो स्पीशीज है वो एक प्लांट, एक बैक्टीरिया, एक फंजाई, ऐसे 50 लाख किस्म के ऑर्गेनिजम्स आपके सामने रखे गए हैं, तो उनको आप 5 जो है किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि पहले क्राइटेरिया आता है उनकी सेल कैसी है, देखना है आपको वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर और यूकैरियोटिक इन नेचर, ओके। सो आप जो है ऑलरेडी ये बेसिक्स पढ़ चुके हैं, इट नीड नॉट टू रिपीट इट अगेन, बट यू नो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो कैरियोट, ये कैरियन ये वर्ड से बना हुआ वर्ड है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कि जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ जो है क्रोमैटिन मटेरियल है, ये थ्रेड लाइक पोर्शन, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियर पोर है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो तीनों चीजें इसके अंदर नहीं है, सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल है, वो न्यूक्लियस कंप्लीट न्यूक्लियस है
जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, फिर न्यूक्लियर पोर आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, और चौथी चीज जो है इंपॉर्टेंटली डीएनए से बना हुआ जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल, ओके, जिसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। तो ये चार स्ट्रक्चर मिलके कंप्लीट न्यूक्लियस होगा। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं दो टाइप के सेल है एज फार एज सेल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। प्रोकैरियोटिक है मतलब वो न्यूक्लियस कि जिसके अंदर ना न्यूक्लियर पोर है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ना ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ओके? तो इसके अंदर जो सिर्फ पाया जाता है वो क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक है और प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। अब जो दूसरे टाइप का न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट। तो यू का कैरियोट का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस के अंदर सभी स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे कि हमने अभी देखे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक कंप्लीट नहीं है बल्कि यहां पर जो न्यूक्लियर पोर है, ओके, और फिर उसके अंदर जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ओके? तो ये सारे चीजों को मिलकर जो है हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, एब्सोल्यूट एंटायर न्यूक्लियस है, जिसको हम यूकैरियोट कहेंगे। तो ये जो 50 लाख किस्मों के और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जो पांच किंगडम में क्लासिफाई किया है, तो पहले तो देखना है कि किन किंगडम्स के अंदर के ऑर्गेनिजम्स की सेल प्रोकैरियोटिक और किसके अंदर की सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा ये ऐसा किंगडम है तो जिसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ओके? और प्रोटिस्टा के अंदर जो है आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल, फंगी के अंदर जो मेंबर्स है उसके अंदर मिलेंगे आपको यूकैरियोटिक सेल, प्लांटी जो प्लांट्स जो है सारे उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, सारे एनिमल्स के अंदर जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, ओके, ये पांच किंगडम्स को 5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में जो क्लासिफाई किया गया है वो चार क्राइटेरिया से यूज करके, और ये चार क्राइटेरिया को जो है सामने रखते हुए हमने जो है 5 मिलियन को 5 किंगडम में यहां पर क्लासिफाई किया है। लेकिन पहला क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये चारों भी यहां पर हमको सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, इफ ऑल दीज आर सेम डज इट मीन आर ऑल सेम? नो, ओके, देयर आर डिफरेंसेस लाइज बिटवीन देम, सो वी नीड टू टेक द सेकेंड क्राइटेरिया इनटू द कंसीडरेशन, ओके? जैसे कि आप देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक अब ये पूरी तरह से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं कि जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ मोनेरा है या बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स आते हैं मोनेरा के अंदर एग्जांपल्स आते हैं बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरियाज आर देयर, चाहे वो आर्कियो बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो या साइनो बैक्टीरिया हो या एक्टिनोमाइसिट्स हो, किसी भी टाइप के बैक्टीरियाज हो वो सिर्फ मोनेरा में आते हैं और वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक नहीं हो सके। अगर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वो एटलीस्ट हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वो मोनेरा किंगडम नहीं है, वो मोनेरा किंगडम में नहीं आएगा, क्योंकि मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके अंदर सेल कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर, ओके? तो जैसे कि ये सब सेम आ रहे हैं तो इनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो सेकेंड क्राइटेरिया से हम देखेंगे, दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकेंड क्राइटेरिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके? तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड क्राइटेरिया हाउ देयर बॉडी ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेदर देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ बाय जस्ट वन सिंगल सेल और वेदर देयर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स, टू सेल्स, thousands of cells, lakhs of cells, millions of cells, if you compute, if you calculate the total number of cells in average human being, then you cannot imagine that 10 raised to 13 trillion number of cells are found in human being, okay? 10 raised to 13 trillion number of cells are found in human beings. Now it is very important to understand that what do you mean by trillion. Now you knew that million means 10 lakh, billion means 10 crore, okay? Aur jab 100 crore ho jata hai to 1 trillion hai, 100 crore. So 100 crore is equal to 1 trillion, okay? Ab ye bhi janna zaruri hai ki 10 raised to 13 yani kya hai, 1 ke upar aap 12 zero likh lo to 1
100 करोड़ यानी 1 ट्रिलियन, तो यहां पर 1 ट्रिलियन नहीं है यानी 100 करोड़ नहीं है सिर्फ, बल्कि 10^13 मतलब 1 के ऊपर 12 जीरो लिखकर उतने करोड़ सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग के अंदर। अगर दो सेल भी अगर है तो वो मल्टी सेल्यूलर है, अगर तीन सेल भी है तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और ट्रिलियन भी है तो वो मल्टी सेल्यूलर है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर कि जो पहले जो दो किंगडम्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनके अंदर सिर्फ एक सेल पाई जाती है, इसलिए इनको कहा गया है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जो ये तीन किंगडम्स है फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीन किंगडम मिलके जो है एक ही टाइप के फीचर्स एग्जिबिट करते हैं जिसको हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। ऑल दीज आर दी मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। ओके, तो सेकेंड क्राइटेरिया के अंदर जो है हमको और एक कंफर्म्ड क्लास मिला, ग्रुप मिला, जैसे कि हम जिसको कहेंगे प्रोटिस्टा। जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके सामने रखे गए हैं 50 लाख प्रजातियां जो ऑर्गेनिजम्स के हैं, एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के जो सजीव रखे गए हैं, जिन भी सजीवों में दो टाइप के फीचर्स एक साथ पाए जाते हैं, एक तो उनकी सेल है यूकैरियोटिक टाइप की और वो एक ही सेल से बने हैं, जो एक सेल से बने हैं वो सेल किस टाइप की है, यूकैरियोटिक टाइप की है, तो उसे हम कहेंगे प्रोटिस्टा। ओके, कंफर्मली उसको हम इंक्लूड करेंगे किस किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो थोड़ा एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर आगे जो है जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि ये सब तीनों में जो है ये दो फीचर सेम है, तो थर्ड क्राइटेरिया से बढ़ने से पहले कुछ जैसे बताता हूं। जैसे कि मोनेरा ये जो किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आएंगे, लेकिन प्रोटिस्टा इज द हेटरोजीनस असेंबलेज ऑफ डिफरेंट एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। आई रिपीट, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं लाइक, जैसे कि एक्चुअल फंगी नहीं है लेकिन फंगी जैसे ऑर्गेनिज्म है। ओके, एक्चुअल प्लांट्स नहीं है लेकिन दिखते तो प्लांट जैसे है। ओके, और एनिमल्स नहीं है लेकिन एनिमल्स के कुछ फीचर्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो लाइक वाला मामला है जो कि फंगी लाइक, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन यहां पर ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर, ओके, जैसे कि हम देखेंगे यहां पर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स। अगर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख पाओगे कि दिस इज दी व्हाट इज दिस द पैरामेशिया। ओके, तो पैरामेशिया के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है। ओके, और एक टाइप का न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस उसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। ओके, तो ये पूरी तरह से अपने आप में एक सेल है। ओके, तो वन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एज अ सिंगल सेल एंड सिंगल सेल एक्ट्स एज एन ऑर्गेनिज्म। एक ही पूरा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पूरी एक सेल है, ऐसे नहीं कि ये एक सेल है। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके एक सेल है। ओके, तो हम देख पाएंगे कि यहां पर ये एनिमल लाइक यानी ये मोबाइल है, मोटाइल है, ये मूव कर सकता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं कि ये एनिमल है। इट साउंड्स ऑड, डजंट इट? ओके, सपोज इफ आई एम टेलिंग दैट पैरामेशिया इज एन एनिमल, इट साउंड्स ऑड टू लिसन। ओके, तो हम इसको एनिमल भी नहीं कह सकते। ओके, ना प्लांट कह सकते हैं, ना बैक्टीरिया कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और पैरामेशिया ये यूकैरियोटिक सेल है। ओके, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे प्रोटिस्टा के अंदर जो कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा एग्जांपल इसका जैसे कि हम जानते हैं कि अमीबा भी है, अमीबा के अंदर जो एक न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक टाइप का है। ओके, जैसे कि हम देख पाएंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है। तो पैरामेशियम और अमीबा ये जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, जो कि ये प्रोटिस्टा के अंदर रहते हैं, ये एनिमल्स नहीं है, एनिमल लाइक है। ओके, तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को मिलके कहा जाता है प्रोटोजुआ। ओके, प्रोटोजुआ, और ये जो प्रोटोजुआ है ये किंगडम एनिमेलिया में पहले इंक्लूड था, लेकिन अब जो है ये किंगडम शिफ्ट करके
अब प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड किया गया है प्रोटोजोआ, बिकॉज सभी एनिमल्स तो मल्टीसेल्युलर होते हैं लेकिन प्रोटोजोआ ये हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं और वो एक सेल यूकैरियोटिक टाइप के रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस यू नो डिफरेंसेस लाइज अमंगस्ट दिस किंगडम्स विथ ईच अदर, बिकॉज दीज आर ऑल द डिफरेंसेस वी नीड टू ट्रेस आउट इन ऑर्डर टू यू नो द फेस द क्वेश्चंस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओके, प्रोटोजोआ। और जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैं आपको तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताता हूँ, दैट इज दी डायटम्स है जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, डायनोफ्लैजेलेट्स है, ओके, जैसे कि ये भी है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, और डेसमिड्स है जिसको गोल्डन अल्गी भी कहा जाता है, ओके, डायटम्स जिसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ एन ओशन सीज कहा जाता है, जो कि समंदर के जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर प्लांट्स जो है, यूनिसेल्युलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो ये डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और डेसमिड्स है, जिसको कलेक्टिवली 3D भी कहा जाता है। और जैसे कि एक टर्म यूज किया हमने एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो टर्म है वो है प्रोटोजोआ, वैसे ही प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द क्राइसोफाइट्स। ओके, सो द प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स। इज इट क्लियर? क्राइसोफाइट्स, ये तीनों को मिलके दिस थ्री कलेक्टिवली, ओके, दिस थ्री कॉल्ड एज टुगेदर एज द क्राइसोफाइट्स। ओके, सो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे हम क्राइसोफाइट्स, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे प्रोटोजोआ। ओके, अब फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे कि हम फंगी के अंदर जो है एक्चुअल फंगी के अंदर चार क्लासेस पाए जाते हैं, फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, लेकिन और ड्यूटेरोमाइसिड्स, ऐसे चार क्लासेस फंगी के अंदर है, लेकिन कुछ यूनिसेल्युलर फंगी भी है जो कि आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जैसे कि मोल्ड्स। ओके, टू टाइप के मोल्ड्स यहां पर पाए जाते हैं, वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स। तो ये जो मोल्ड्स है वो फंगी लाइक है, यानी हेटरोट्रॉफिक है, जो कि सैप्रोफाइटिक है, एब्जॉर्ब करके उनका फूड न्यूट्रिश जो है वो फूड जो है न्यूट्रिशन उनका जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो ये फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी मोल्ड्स जो है, कलेक्टिवली इनको मोल्ड्स कहा जाएगा। ओके, तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को प्रोटोजोआ कहा जाएगा, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्राइसोफाइट्स कहा जाएगा, और फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स को मोल्ड कहा जाएगा। ओके, तो तीनों को मिलके एक किंगडम बनाया गया है प्रोटिस्टा, जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हैं। कितने सेल से? एक सेल से। लेकिन मोनेरा के अंदर जो एक सेल है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की है, और प्रोटिस्टा के अंदर जो एक सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप की है। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में एक एक सेल है लेकिन ये एक सेल प्रोकैरियोटिक है और ये एक सेल यूकैरियोटिक है, और ये एक सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल, ऐसे हम ज्यादातर रॉड शेप का बैक्टीरिया हम निकालते हैं और जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल है, इसलिए हमको क्या कहेंगे हम? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा और जिसके अंदर एग्जांपल है बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है ये भी अपने आप में क्या है? एक सेल है। ओके, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस, किडनी शेप का न्यूक्लियस ऐसे पाया जाता है, और अमीबा के अंदर जो है ऐसे जो है एक जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर पाया जाता है। तो ये भी एक सेल है लेकिन ये एक सेल यूकैरियोटिक टाइप की है, ये भी पूरी ऑर्गेनिज्म मिलकर जो है एक सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल है। ओके, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा एक सेल है, और ये पूरा एक बैक्टीरिया है। इज इट क्लियर? जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, ठीक है, तो हम ये कंफर्मली एटलीस्ट हम जो है मोनेरा और प्रोटिस्टा यानी 50 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में हम कंफर्मली बांट सकते हैं सिर्फ दो क्राइटेरिया यूज करके।
मोनेरा को तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यूज करके हम आइसोलेट कर सकते हैं। जो भी 50 लाख स्पीशीज है उन स्पीशीजों में से जो है जो भी प्रोकैरियोटिक है वो कंफर्मली क्या है, मोनेरा। ओके, अब जो दूसरे टाइप के है वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, ये दोनों फीचर्स जिसके अंदर पाए जाएंगे तो वो कंफर्मली क्या है, प्रोटिस्टा। लेकिन ये तीनों में जो है फंगी प्लांटियर एनिमिलिया ये तीनों में मिलकर जो है वो ये दोनों फीचर सेम है। इज इट क्लियर? डज इट मीन दैट ऑल दीज थ्री किंगडम्स आर सेम? नो। ओके, अब ये दोनों फीचर सेम होने के बाद हम जो तीसरा क्राइटेरिया यहां पर कंसीडर करेंगे, द थर्ड क्राइटेरिया कम्स इनटू प्ले, दैट इज नथिंग बट दी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन है, जैसे कि हम जानते हैं एटोट्रॉफिक, एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल्फ न्यूट्रिशन जो है सेल्फ ऑप्टेन करते हैं। ओके, खुद का फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। ओके, ये टाइप के है। अब कीमोसिंथेसिस के अंदर भी अलग अलग टाइप के जो है न्यूट्रिशंस के टाइप आएंगे, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया जो है वो आयरन केमिकल यूज करके करेंगे, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन ये केमिकल यूज करके जो है वो अपना फूड को तैयार करेंगे। ओके, और सल्फर बैक्टीरिया जो है वो सल्फर ये केमिकल को यूज करके करेंगे। वेदर इट इज फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, इट इज डिफरेंट पार्ट। What is important, what matters the most here, that whether they synthesize their own food material or not. Okay, by using photon or by using chemical, it is second question. But first of all, whether they are able to synthesize their own food material or not, okay, depending upon that, we can call it as autotrophic. Okay, if they are able to synthesize their own food material by using photon, so it is photosynthesis. Okay, and if they are able to synthesize their own food material by using chemicals, so it is called as chemosynthesis. Okay, अब ये जो तीन जो ये जो दो फीचर्स है, इन दो फीचर्स के अलावा जो तीसरा फीचर है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम कंसिडर करेंगे। अभी तीनों के अंदर ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि तीनों के अंदर ये दोनों चीजें सेम पाई जा रही है। अब जो तीसरी जो चीज पाई जाएंगी जो डिफरेंट है वो कौन सी है, जैसे कि हम जान पाते हैं कि यहाँ पर ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ओके, लेकिन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, और एनिमल्स जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक। ओके, तो अब मुझे आप बताओ कि हम किसको कंफर्मली आइसोलेट कर सकते हैं 5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स में से, प्लांटिक। ओके, मोनेरा को हमने क्लासिफाई किया है, प्रोटिस्टा को भी क्लासिफाई किया है, मोनेरा को सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज करके हमने क्लासिफाई किया है, प्रोटिस्टा को ये दो क्राइटेरिया यूज करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दो फीचर्स किसी और के अंदर नहीं मिलेंगे, और प्लांटी को हम तीन क्राइटेरिया यूज करके कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्यूलर है, और जो भी ऑर्गेनिजम्स एटोट्रॉफिक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, सिर्फ प्लांट्स हो सकता है, प्लांट्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो तीन क्राइटेरिया, तीनों के तीन क्राइटेरिया, ये जो तीन क्राइटेरिया है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब जो देखेंगे हम, जो ये दो के अंदर कंफ्यूजन आ रहा है, फंगी एंड एनिमिलिया, तो इसके अंदर जो है वो यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बताया गया है। एनिमिलिया के अंदर जो है क्या बताया गया है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर एंड हेटरोट्रॉफिक। अब ये तीनों फीचर्स जो है, ये तीनों क्राइटेरियाज फंगी यानी जिसको हम बुरशी कहते हैं, और जो है एनिमिलिया जिसको हम जो है प्राणी कहते हैं, तो इन दोनों के अंदर अगर ये तीन फीचर सेम है तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। ओके, तो चौथा क्राइटेरिया आता है उनकी लाइफ स्टाइल। ओके, इट इज कंफर्म्ड हियर दैट ऑल फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बट ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दैट दे डिपेंड ऑन अनदर सोर्स और ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ओन फूड। ओके, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, बट हाउ डू दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
ये दोनों हेटरोट्रॉफिक है, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के वो फूड को कैसे अपने अंदर ले लेते हैं, ओके, इसके ऊपर जो है उनकी लाइफस्टाइल बनती है। जैसे कि ये जो फूड को अंदर लेने का, अपनी बॉडी के अंदर लेने का जो तरीका है वो बाय एब्जॉर्ब करके है, एब्जॉर्ब, ओके, एब्जॉर्बर, जिसको हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक, ओके, ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके खाते हैं। लेकिन हम भी फंगी की तरह दूसरे फूड के, दूसरे जो सोर्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स या एनिमल्स, लेकिन हम एब्जॉर्ब करके प्लांट्स नहीं खाते, हम एब्जॉर्ब करके जो है वो एनिमल्स को नहीं खाते, ओके, जो फूड को हम लेते हैं अंदर वो हम कंज्यूम करके लेते हैं, इसलिए हमको क्या कहा गया है, कंज्यूमर, ओके, तो कंज्यूम का मतलब क्या है, ओके, तो पहले जो है हम फूड को अंदर ले लेते हैं, यानी इनटेकिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन, ओके, फूड को अंदर लेना है यानी इंजेशन, और फूड अंदर आने के बाद जो है एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो भी डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ओके, व्हेन वी टेक द फूड इनसाइड आवर माउथ, व्हेन वी इनटेक द फूड इनसाइड आवर माउथ इट इज कॉल्ड एज इंजेशन, व्हेन इट गोज इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एन एंजाइम्स फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स इट गेट्स डाइजेस्टेड, ओके, द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल एंड नॉन सोल्यूबल फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर soluble and you know the diffusible substances and these are called as chyme or chyle, okay, this digested food material gets absorbed by the small, okay, villi like, so you know, portion of our intestine, because intestinal cells are made up of columnar, tall columnar cells, okay, and these columnar cells are studded with these villi, okay, microvilli, okay, these hair-like projections. So it absorbs this digested food material. Later on, it will get transported with the help of the blood vascular system to all parts of our body, and it is called as assimilation. So when these digested food particle along with the blood vascular system gets its entry into the cell, okay, and when it gets mixed, when it gets assimilated in the cytoplasm, that time it is called as assimilation, okay, when it gets dissolved in the cytoplasm of each and every cell, it is called as assimilation, and finally the undigested food material, okay, in large intestine, it will get ejected out, it is called as ejection. So these five steps, when any nutrition includes these five steps, that time it is called as holozoic nutrition, okay, holozoic nutrition, and that time we can call that we consume the food. कंज्यूम करना यानी क्या है, अंदर लेना है फूड बॉडी के अंदर और फिर डाइजेस्ट करना है, फिर एब्जॉर्ब करना है, ओके, एब्जॉर्प्शन, और फिर जो है एसिमिलेशन, और फिर जो है इजेशन, ये पांचों स्टेप्स जिसके अंदर मिलते हैं, जब किसी फूड को हम इन पांचों स्टेप्स से जो है सब्जेक्ट उसको गुजारते हैं तो उसको हम कहेंगे उस फूड को हमने क्या किया है, कंज्यूम किया है, एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चारों फीचर्स मिलेंगे एक साथ चारों फीचर्स, तो उसी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, एनिमल, ओके, हमको पता नहीं था सपोज कि 50 लाख में से कौन से प्लांट्स है, कौन एनिमल्स है, कौन फंगी है, लेकिन जिसके अंदर ये दो फीचर्स पाए जाते हैं वो मोनेरा है, जिसके अंदर ये दो फीचर्स पाए जाएंगे वो प्रोटिस्टा है, जिसके अंदर ये चारों फीचर्स पाए जाते हैं वो दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि सिर्फ क्या है, फंगी है, जिसके अंदर ये तीन फीचर्स पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे प्लांट्स, और जिसके अंदर ये चार फीचर्स पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे एनिमल्स, ओके, और जैसे कि बहस के तौर पर अगर हम देखेंगे लाइफस्टाइल प्लांट्स की क्या है, वो तो ऑटोट्रॉफिक है और उसको हमने कंफर्मली आइसोलेट भी किया है, क्लासिफाई भी किया है, लेकिन अगर इसके हम लाइफस्टाइल देखते हैं तो क्या कैसे वो कैसे रहते हैं, एज अ प्रोड्यूसर, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल बाय देमसेल्व्स, ओके, सो दिस इज ऑट द फोर क्राइटेरियाज, बाय यूजिंग दीज फोर क्राइटेरियाज वी कैन
क्लासिफाई 5 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू जस्ट 5 किंगडम्स विच वी कैन काउंट ऑन आर फिंगर्स. ओके, सो अब जो है इसके अंदर जो 2 किंगडम्स का हम ज्यादातर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, किंगडम प्लांटी और फिर दूसरी चीज आती है किंगडम एनिमेलिया. ये इन 2 किंगडम्स को जो है हम यहां पर स्टडी करेंगे. ओके, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. अब एनिमेलिया इस किंगडम को हम पहले देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे है. तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो अगर इसी के अंदर कुछ अगर डाउट्स वगैरह है तो आप जो है यहीं पर पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके अगर करेंगे तो इसके जो है आंसर्स मैं इसको दे दूंगा. तो जो है अभी तक जो है हमने सिर्फ बेसिक्स को देखा है कि 5 किंगडम्स कौन से है, क्योंकि बायोलॉजी ये सब्जेक्ट के अंदर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं तो हमको ये भी देखना जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस किस टाइप के हैं. ओके, तो ये सारे टाइप्स के, जैसे कि बैक्टीरिया जो मोनेरा में आते हैं, एनिमल लाइक प्लांट लाइक फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा में आते हैं, ऑल फंगी का एक सेपरेट किंगडम बना है जो कि किंगडम फंजाई, और जो है ऑल प्लांट्स एक सेपरेट किंगडम है किंगडम प्लांटी, और एनिमल्स का एक सेपरेट किंगडम है दैट इज किंगडम एनिमिलिया. इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी, और ये सारे इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन आएगा उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं. सो बायोलॉजी इज नॉट ओनली द सिंगल ब्रांच दैट विच स्टडीज ओनली द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स नीड्स टू बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन व्हाइल लर्निंग द बायोलॉजी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंगडम एनिमेलिया. ओके, तो अब जो 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ओके, 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जो ये 5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 1.2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ क्या होते हैं एनिमल्स. ओके, जितने सजीव इस धरती पर पाए जाते हैं 50 लाख अलग अलग टाइप के, तो इन 50 लाख में से 12 लाख टाइप के सिर्फ क्या है एनिमल्स. ओके, तब ये एनिमल्स का क्लासिफिकेशन भी हमको इसके अंदर देखना है. ओके, जैसे कि हम देख पाते हैं कि ब्रॉड लेवल पे पूरे ये जो 12 लाख टाइप के नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, मैं स्पीशीज ये वर्ड यहां पर बोल रहा हूं, नॉट इंडिविजुअल नंबर, क्योंकि सिर्फ अगर एक स्पीशीज हम ह्यूमन बींग की ले लेते हैं तो उसका इंडिविजुअल नंबर जाता है 735 करोड़, विच रियली इनकैलक्यूलेबल एंड इनकम्प्यूटेबल नंबर. यू कैनॉट कंप्यूट दिस नंबर विद द हेल्प ऑफ एनी कंप्यूटर, यू कैनॉट इवन यू नो द कैलक्यूलेट विद द हेल्प ऑफ एनी कैलक्यूलेटर. इतना नंबर पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मिलेगा क्योंकि एक स्पीशीज ही पाई जाती है 735 करोड़ की. तो 50 लाख स्पीशीज का तो जो है अंदाजा ही छोड़ो. तो हम स्पीशीज के लेवल पे यहां पर देख रहे हैं. अब जो ये किंगडम है जो कि क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट यूनिट है, ओके, किंगडम एनिमेलिया, इनके जो 2 मेजर सब किंगडम्स है जैसे कि हम देखेंगे यहां पर, दैट इज अ नॉन कॉर्डेट्स, ओके, एंड द सेकेंड वन इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज द कॉर्डेट्स. अब नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, इन दोनों को हम, ये पूरे एनिमल्स को हम इस 2 ग्रुप में हमने इसको सिर्फ डिवाइड किया है. ओके, कुछ एनिमल्स नॉन कॉर्डेट्स है और कुछ एनिमल्स कॉर्डेट्स है. तो जैसे कि हम देखा इसके पहले देखे हम कि जो 5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सिर्फ 4 क्राइटेरिया यूज करके हमने 5 किंगडम्स बनाए. अब ये एक किंगडम के 2 सब किंगडम जो बने हैं वो 4 क्राइटेरिया यूज करके. सबसे जो पहला वाला क्राइटेरिया है वो है इनके इनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड है या नहीं, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट देन इट इज कॉर्डेट, इफ नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट देन इट इज नॉन कॉर्डेट. Now at the same time it is also equally important to understand what do you mean by notochord. Okay, nerve cord is different, notochord is different. Notochord is the supporting material like our bones, okay, cartilages, these are endoskeletons which supports our body, okay, with the help of which we can stand erect, which we can walk erect,
ओके विच वी कैन मीन्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टैंड ऑन आर टू लेग्स ओके इट इज बिकॉज ऑफ दिस एंडोस्केलेटन सिमिलरली Here, every chordate during its embryonic condition, it is having these two things. The first of all, we can say it is the notochord, and this one, the second one, is the novochord. Every chordate is having the first one. This is the notochord, and notochord is the rod-like, stiff rod-like substance which supports. The chordate during embryonic condition during its development. But the second structure which is compulsorily found in all organisms, whether it is the chordate or non-chordate, nerve cord is present. Even in the form of primitive form or sometimes in an advanced form. Whether it is primitive or advanced, it is a different part. But whether it is present or not, it is important and it is present. Nerve cord. Because if it is not there, we would have not, you know, the accepted or received the stimulus from external atmosphere. So we can receive the stimulus with the help of the nerve cord and convert it into appropriate, suitable and proper response. Is it clear? So nerve cord is present, but the first criteria is on the notochord. Notochord, which is the future vertebral column. Okay. So it is a rod-like substance, the stiff, stout rod like substance that is called as notochord. So we can say that notochord is skeletal in nature and nerve cord is nervous in nature. Okay, it is a part of nervous system like brain spinal cord. Okay, notochord is a part of bone cartilage like system. Is it clear? So whether the notochord is present, but in non-chordates, not any means there are 8 different groups are there, like porifera, Coelenterata, platyhelminths, Aeschylmints, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Echinodermata. These 8 groups, 8 phyla of non-chordates does not have the notochord. It is not having notochord at all. Okay. तो इसीलिए इसको क्या कहा है? Non-chordates. Non है क्योंकि इसके अंदर notochord नहीं है. अब कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है. दूसरी चीज है कि पेयर्ड गिल स्लिट्स. ओके, पेयर्ड गिल स्लिट्स का प्रेजेंस, पेयर्ड गिल स्लिट्स का प्रेजेंस. ओके, तो पेयर्ड गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं, सभी कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं. ओके, इवन वी हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, बट ड्यूरिंग आर एम्ब्रियोनिक कंडीशन इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैड the gills. Is it clear? Now you may get surprised that if fishes jo ki aquatic hai unke andar sirf gills paaye jate hai adult condition mein. Okay, unke embryonic condition mein bhi gills hote hai. Jo bhi pani ke andar rehne wale parinde, charinde, janwar hai, unko kya hai? Ye gills hote hai. Lekin hum to air breathing organism hai, lekin hamare andar bhi gills hote the. During embryonic condition, during our, you know, the prenatal developmental conditions. Okay, तो इन conditions के अंदर ये हमने जो है ये gills को पाए जाते हैं. लेकिन जैसे ही हमारे lungs develop होते हैं तब ये gills disappear हो जाते हैं. लेकिन at least embryonic condition में, ये embryo है, हर chordate का embryo first two weeks में ऐसे ही दिखता है. Okay, हर एक chordate. अब ये chordate के अंदर gills पाए जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन कंपलसरी. लेकिन ये गिल स्लिट्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं. अगर ये गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल स्लिट्स एब्सेंट है तो वो नॉन कॉर्डेट है. अगर ये पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट्स है. तो ये दो क्राइटेरिया को यूज करके हम किसी भी एनिमल्स को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नोटोकॉर्ड है नहीं है तो इसी एक क्राइटेरिया के बिना पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. लेकिन हमको और जो दूसरे क्राइटेरिया, दूसरा, तीसरे, चौथे डिफरेंसेस भी देखना यहां पर जरूरी है. अब जैसे कि मैं आपको यहां पर थर्ड क्राइटेरिया बताऊंगा कि दैट इज नथिंग बट दी हर्ट. ओके, वेदर दी हर्ट इज प्रेजेंट और नॉट. तो हर्ट तो होता है प्रेजेंट सभी कॉर्डेट के अंदर, कुछ नोटोकॉर्ड के अंदर हर्ट प्रेजेंट होता है तो किसके अंदर नहीं भी होता. जिनके अंदर हर्ट प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड के अंदर,
नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ओके तो ये नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर्ट प्रेजेंट होता है, इट इज ऑलवेज एट डॉर्सल पोजीशन। ओके, हर्ट पोजीशन इधर जो है ये डॉर्सल साइड में हर्ट प्रेजेंट है इन नॉन कॉर्डेट्स, और हर्ट की जो पोजीशन है कॉर्डेट में वो है वेंट्रल साइड में। ओके, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला एनिमल सिर्फ क्या हो सकता है, नॉन कॉर्डेट हो सकता है। ओके, और हर्ट पोजीशन वेंट्रल साइड में, लगभग सभी के अंदर हर्ट प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स, और वो हमेशा वेंट्रल पोजीशन में होता है। जैसे कि आप जानते हो कि डॉर्सल यानी बैक साइड, वेंट्रल यानी फ्रंट साइड, लेटरल यानी साइड वाला साइड, ओके, एंटीरियर यानी टॉप साइड, पोस्टेरियर यानी बॉटम साइड। जैसे कि मेरी नाक है एंटीरियो वेंट्रल साइड में, एंटीरियो वेंट्रल मतलब टॉप साइड में और सामने वाले, ऊपर और सामने, ऊपरी बाजू में सामने मेरी नाक। नी, नीज को अगर हम देखेंगे तो नीज है पोस्टेरियो वेंट्रल, पोस्टेरियो वेंट्रल यानी नीचे बॉटम साइड में है और सामने वाले बाजू में है। ओके, इस तरह से हर्ट भी है जो वेंट्रल साइड में है जो कि सामने आता है, जैसे कि हम उसके हार्ट बीट्स जो है वो वेंट्रल साइड से सुन सकते हैं, ना कि डॉर्सल साइड से। ओके, अब जो है चौथा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहां पर आता है, वो है नर्व कॉर्ड। ओके, आई रिपीट, नर्व कॉर्ड की पोजीशन यहां पर, मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि ये नर्व कॉर्ड है ना कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये तो एक सपोर्टिंग रॉड लाइक सब्सटेंस है, लेकिन नर्व कॉर्ड जो कि एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर से स्टिम्यूलस रिसीव करके उसको एप्रोप्रिएट सुटेबल और प्रॉपर रिस्पॉन्स देना काम जिसका है वो है नर्व कॉर्ड। अब ये जो नर्व कॉर्ड है इसकी पोजीशन जो है वो इसके अंदर जो पाई जाती है वो डॉर्सल साइड में, नॉन कॉर्डेट के अंदर पाई जाती है, सॉरी वेंट्रल साइड में। ओके, नर्व कॉर्ड इज फाउंड एट वेंट्रल साइड इन नॉन कॉर्डेट्स, एंड नर्व कॉर्ड इज फाउंड एट डॉर्सल साइड ऑलवेज इन कॉर्डेट्स। ओके, तो ये चार क्राइटेरिया थे, जैसे कि दो क्राइटेरिया है प्रेजेंसेस और दो क्राइटेरिया है पोजीशंस, हर्ट की पोजीशंस और वेंट्रल नर्व, हर्ट और नर्व कॉर्ड की पोजीशंस, और प्रेजेंसेस के दो क्या थे, नोटोकॉर्ड और पैरेटल स्लिट्स। अब जो पनेट स्क्वेयर्स आपने किसी ने देखा होगा तो उसका इस्तेमाल जो हम यहां पर भी कर सकते हैं, अगर डिफरेंस दोनों के बीच में करना है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। ओके, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं आप कॉर्डेट, ओके यहां पर लिखूंगा आप नॉन कॉर्डेट। ओके, अगर हम देखेंगे यहां पर कि ये जो है दैट इज द फर्स्ट प्रेजेंसेस, प्रेजेंसेस और यहां पर लिखेंगे पोजीशंस, प्रेजेंसेस में आता है यहां पर नोटोकॉर्ड, ओके और पेयर्ड गिल स्लिट्स, पोजीशंस में आते हैं दो ऑर्गन्स दैट इज द हर्ट और जो है वो नर्व कॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड ये कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट के अंदर एब्सेंट है, प्रेजेंसेस के दो स्टेटमेंट में से पहला सेंटेंस है। पेयर्ड गिल स्लिट्स कॉर्डेट में प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। ओके, हर्ट जो है हर्ट कॉर्डेट में वेंट्रल पोजीशन में आता है और नॉन कॉर्डेट में ये डॉर्सल पोजीशन में आता है, और नर्व कॉर्ड ये कॉर्डेट के अंदर डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट के अंदर ये वेंट्रल पोजीशन में है। इज इट क्लियर? तो ये चार यानी दो प्रेजेंसेस और दो पोजीशंस, राइट? तो पूरे एनिमल्स को हम इन दो ग्रुप में, ओके यानी हम बोल सकते हैं कि अबाउट 12 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ओके इनको हम सिर्फ दो सब किंगडम्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फोर क्राइटेरियाज। फोर क्राइटेरियाज क्या है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, पेयर्ड गिल स्लिट का प्रेजेंस, हर्ट की पोजीशन और नर्व कॉर्ड की पोजीशन, दो प्रेजेंसेस और दो पोजीशंस। तो इन चारों क्राइटेरिया से हम 12 लाख एनिमल्स को सिर्फ दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे नॉन कॉर्डेट्स को जिसके अंदर ये सारे ग्रुप आते हैं, जैसे कि हम देखेंगे पोरीफेरा, सेकेंड ग्रुप है सिलेंटेरेटा और एक ग्रुप
का नाम क्या है, फाइलम। ओके अब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट इन ग्रुप का नाम क्या है, सब किंगडम। सपोज सब किंगडम। अब ये जो एनिमेलिया है इस ग्रुप का नाम क्या है, दैट इज किंगडम। ओके सो किंगडम, सब किंगडम एंड फाइलम, ये अलग अलग हायरार्की यानी लिस्ट है क्लासिफिकेशन की। तो किंगडम लेवल पे हम एनिमेलिया बोलते हैं, और एनिमल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो ये सब किंगडम हो गया। हर एक सब किंगडम के अंदर उनके फाइला है, अलग अलग फाइलम है, फाइलम का प्लूरल हम बोलेंगे फाइला। ओके ऑल दीज आर द एट फाइला। ओके नॉन कॉर्डेट के एट फाइला है, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, तीसरा जो है वो प्लेटी हेलमेंथस, चौथा जो है वो है एस्केल मेंथस, जिसको हम निमेटोडा भी कह सकते हैं। ओके दो नाम है इसके, निमेटोड्स। ओके फिर पांचवा जो है वो है एनेलिडा। ओके फिर छठा जो है वो आर्थ्रोपोडा, सातवां जो है वो है मोलुस्का, और आठवां जो है वो है इकाइनो डर्मेटा। ओके वी कैन क्लासिफाई फर्दर दिस एट फाइला, लेकिन अब ये एट फाइला जो ग्रीक वर्ड से बने हैं इनके इंग्लिश में सिर्फ मीनिंग आज हम जान लेते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। अब ये देखना जरूरी है कि जो ये जो वर्ड बने हैं दिखने में ये आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन बहुत आसान है। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पोर्स होते हैं मतलब फेरा, फेरा मीन्स टू हैव, एंड पोर मीन्स दैट एपर्चर्स। ओके जिनके छोटे छोटे एपर्चर्स बॉडी के अंदर रहते हैं वो पोर्स, पोरीफेरा। सिलेंटरेटा जिनके अंदर की जो बॉडी कैविटी यानी जो सीलोम है, ओके एक्चुअली इनके अंदर सीलोम तो नहीं होता, लेकिन जो सीलोम है वो पूरी तरह से गट गट कैविटी इनके अंदर पाई जाती है, जो कि पूरी तरह से फील्ड है, गट के अंदर सीलोम पाया जाता है, और सीलोम इज एब्सेंट, लेकिन वो सीलोम इज फील्ड विद द पैरेन्काइमेटस सेल्स जो सिलेंटरेटा के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लेटी हेलमिंस, ये जो दो वर्ड से बना है वो है प्लेट्स और उसके बाद है यहां पर हेलमिंट्स। ओके प्लेट्स एंड हेलमिंट्स, प्लेट्स का मतलब है फ्लैट। ओके प्लेट्स, प्लेट लाइक मतलब फ्लैट, और हेलमिंट का मतलब है वर्म, मतलब फ्लैट वर्म। क्लियर? और एस्केल मींस राउंड। ओके एंड हेलमिंट मींस वर्म, मतलब राउंड वर्म। फ्लैट वर्म जो पाए जाते हैं वो प्लेटी हेलमिंट्स के अंदर, और राउंड वर्म जो पाए जाते हैं वो एस्केल मींस के अंदर। और अब एनेलिडा, एन्युलस ये वर्ड से बना है, एन्युलस का मतलब है रिंग। इज इट क्लियर? जिनकी बॉडी रिंग रिंग लाइक होती है वो एन्युलस। आर्थ्रोपोडा ये जो दो वर्ड से बना है वो आर्थ्रिस मतलब जॉइंटेड, और पोडा मतलब लेग्स, तो जॉइंटेड लेग्स ये दो इनके मतलब, ये जो है इसका जो इसके इस इन दो वर्ड से ये वर्ड बना है। मोलुस्का, मोलुस्क मतलब सॉफ्ट बॉडीड जो होते हैं वो मोलुस्का। इकाइनोडर्माटा इसके अंदर जो है वो इकाइनस मतलब स्पाइनी। ओके और डर्माटा मतलब स्किन। ओके तो ये स्पाइनी स्किन जिनकी बॉडी होती है पूरे बॉडी के ऊपर जिससे स्पाइन्स है, जैसे ये तो पूरे बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब एपर्चर्स। ओके एंड फेरा मतलब टू हैव, टू हैव मतलब पजेस्ट, उनके पास होते हैं पोर्स। सिलोम मतलब कैविटी, बॉडी कैविटी, जो कि एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन मतलब गट के अंदर होती है। प्लेट मतलब फ्लैट। ओके और हेलमिंथ मतलब है वर्म। ओके राउंड, एस्केल मतलब राउंड है, जिसको यहां पर लिखा है मैंने राउंड, और हेलमिंथ का मतलब है वर्म। एन्युलस मतलब रिंग, आर्थ्रिस मतलब जॉइंटेड। ओके आर्थ्रिस मींस जॉइंटेड एंड पोडा मींस लेग्स। मोलुस मींस सॉफ्ट, इकाइनस मींस स्पाइनी, एंड डर्माटा मींस स्किन। तो ये जो आठ ग्रुप्स है, ओके तो 12 लाख एनिमल्स में से कुछ मिलियंस पाए जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स के, जैसे कि 8 से 9 मिलियंस नॉन कॉर्डेट्स के यहां पर पाए जाएंगे 12 लाख में से, और बचे हुए जो है वो कॉर्डेट्स हैं। तो पहले हम नॉन कॉर्डेट्स को डिटेल में देखेंगे।
ये जो सपोज 8 to 9 million ऑफ नॉन कॉर्डेट्स को हमने 8 ग्रुप्स में कन्वर्ट किया है, 8 ग्रुप्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इन 8 ग्रुप्स को 6 क्राइटेरिया यूज किए हमने, 6 क्राइटेरिया जो अलग अलग है, इनके अंदर 6 डिफरेंसेस पाए जाएंगे। पोरीफेरा हम कब बोल पाएंगे, कौन सा नॉन कॉर्डेट पोरीफेरा है, कौन से नॉन कॉर्डेट सिलेंटेरेटा है, कौन से नॉन कॉर्डेट प्लेटीहेलमिंस है, कौन से नॉन कॉर्डेट एस्केलमिंस है, कौन से नॉन कॉर्डेट्स एनेलिरा है, कौन से नॉन कॉर्डेट्स आर्थ्रोपोडा है, कौन से नॉन कॉर्डेट्स मोलुस्का है, और कौन से नॉन कॉर्डेट्स इकानोडर्मेटा है, इनको हम 6 बातों से कैरेक्टराइज करेंगे। ओके, जिनके अंदर वो 6 बातें पाई जाएंगी वो एक तो पोरीफेरा होंगे या सिलेंटेरेटा होंगे या और ये सारे। ओके, तो जैसे कि जो 6 क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ओके, सेकेंड यहां पर आता है वेदर द बॉडी इज, यानी सिलोम का प्रेजेंस है या नहीं बॉडी के अंदर, तो बॉडी सिलोम, सिलोम है या नहीं है, या किस टाइप का सिलोम है। ओके, थर्ड जो आता है वो बॉडी सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, ये थर्ड क्राइटेरिया है। उसके बाद है बॉडी के जो है प्लान कैसा है, और बॉडी किस किस उनके एलिमेंट्री कैनल और बॉडी वॉल किस प्लान से बनी हुई है, तो बॉडी प्लान के अकॉर्डिंगली भी हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। फिफ्थ जो है वो है बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है। ओके, बॉडी सेगमेंटेशन। और सिक्स क्राइटेरिया है दैट इज द बॉडी सपोर्ट, उनके अंदर एंडोस्केलेटन है या नहीं, एक्सोस्केलेटन जो कि एक्सटर्नली सपोर्ट जिसको जिस स्ट्रक्चर से दिया जाता है उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, और बॉडी के अंदर से जो स्ट्रक्चर्स सपोर्ट देते हैं उनको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ओके, तो ये 6 क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स 2 टाइप के है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी सिलोम 3 टाइप के है, असिलोमेट श्यूरोसिलोमेट ट्रू सिलोमेट। ओके, बॉडी सिमेट्री 3 टाइप की है। ओके, बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। बॉडी प्लान 3 टाइप के है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ओके, सेकेंड इज दैट इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, थर्ड इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और जो 5वां है वो बॉडी सेगमेंटेशन। ओके, उसके 2 टाइप्स है, सेगमेंटेड बॉडी एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। ओके, बॉडी सपोर्ट के 2 टाइप है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन मटेरियल। ओके, तो ये जो है हर एक क्राइटेरिया को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि नंबर ऑफ जर्म लेयर्स है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, वो कैसे बनते हैं ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक, 2 ही जर्म लेयर्स क्यों होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ओके, यहां पर 3 जर्म लेयर्स कैसे बनते हैं। ओके, बॉडी सिलोम, स्यूडोसिलोमेट किसको कहा जाएगा, फॉल्स सिलोम, और ट्रू सिलोम किसको कहा जाएगा। इन सारे क्राइटेरिया का सेपरेट स्टडी हम कल के सेशन में करेंगे। ओके, तो हम यहीं पर अब रुकते हैं, अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो, ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डिफिकल्टीज, कॉम्प्लिकेशंस, डाउट्स, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, देन फील फ्री टू आस्क, ओके, राइटिंग दैट बिलो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू as soon as I get free and I will just see. Okay, and hope that you like this lecture. So please, if you like it, okay, in the midst of this atmosphere that which you are seeing in your surrounding, we are just facilitating this facility to you along with my own channel Combo Pro and Maharashtra Prakshepan. Okay, we'll bring you every day these online session lectures. Okay, and if you demand a particular topic, then also we can think over that and we can start with that. Okay, so hope you will stay tuned. Tab tak ke liye, shab bakhair, good night, shubh ratri.